हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे वर्ल्ड फेमस लखनवी स्पेशल गलावटी कबाब। इसको गलावटी कबाब का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये मुंह में जाते ही घुल जाता है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक चॉपर में दो मिर्चियाँ ली है, दो हरी मिर्चियाँ ली है हमने। इसमें हम डाल देंगे एक मुट्ठी भर धनिया के पत्ते। हम इसको चॉपर में डालकर एकदम बारीक पीस लेंगे। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप छुरी की मदद से भी इसको बारीक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिए 400 ग्राम कीमा, मटन कीमा लिया है मैंने। यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा फैट भी लिया है। इसमें हम 20% चर्बी डालेंगे। आप जितना भी क्वांटिटी लोगे आपको 20% चर्बी डालना है इसमें। तो अगर आप 400 ग्राम कीमा ले रहे हो तो आप 380 ग्राम्स का कीमा लोगे और 20% चर्बी डालोगे उसमें, और इसको पीस लेंगे हम। बारीक पेस्ट बनाना है हमें कीमा का। इस पॉइंट पे मेरा चॉपर ख़राब हो गया था तो मैंने सारी चीज़ों को एक फूड प्रोसेसर में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसका हमने बारीक पेस्ट कर लिया है। इसमें हम डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 3 टेबल स्पून जाएगा इसमें बिरिस्ता। इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून पपाया पेस्ट। इसमें जाएगा 1 टीस्पून देगी मिर्च पाउडर। इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें आधे नींबू का जूस। इसको हम स्क्वीज़र के मदद से इसको निचोड़ लेंगे ताकि इसमें बीज ना जाए। इन सारी चीज़ों को हम फूड प्रोसेसर में डाल के इसको बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। इसका बहुत ही फाइन पेस्ट चाहिए हमें। बिल्कुल ऐसे ही आपको इसका फाइन पेस्ट बना लेना है। एकदम बारीक पेस्ट चाहिए हमें इस रेसिपी के लिए। अभी हम हमारे गलावटी मसाला की तैयारी कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे आधा बादियान का फूल, 4 हरी इलायची, 10 साबुत काली मिर्च, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून सौंफ, आधा टीस्पून यहाँ पे मैं कबाब चीनी डाल रही हूँ इसमें, आधा टीस्पून शाही जीरा जाएगा और 1 टीस्पून जीरा साबुत जीरा जाएगा। एक पीपली डाल दिया है इसमें मैंने और इसको हम भून लेंगे। पैन को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद मैंने हमारे मसालों को डाल दिया है इसमें। मसालों को बस 1-2 मिनट तक हमें इसे भूनना है। जब तक इसमें से अच्छी खुशबू ना आने लगे तब तक बस 1-2 मिनट लगेगा हमें। इसमें हम 1 टीस्पून खसखस डालकर इसको भून लेंगे। बस 1-2 मिनट इसको भून लेना है और इसको बंद कर लेना है हमें फ्लेम को। इसको हम अभी पीस लेंगे। फिर मैंने एक मिक्सी जार में इसको डाल दिया है। इसमें हम और कुछ मसाले मिलाएंगे। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टीस्पून सूखी हुई गुलाब की पंखुड़िया, 1/4 टीस्पून जावित्री जायफल का पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला जाएगा इसमें, 2 टेबल स्पून भुना हुआ चना जाएगा इसमें, 7 काजू लिए हैं मैंने यहाँ पे, इसको भी मैं इसमें डाल दूंगी। यहाँ पे 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स को इसमें डाल देंगे। इसको बारीक सा पाउडर बना लेंगे बिल्कुल इसी तरह से। सारे पाउडर को हमें हमारे कीमा में मिला लेना है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। इसको डालकर हम इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से इसको मिला लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से आपको इसको मिलाना है। फिर हमने एक ब्रेड का टुकड़ा ले लिया है, एक स्लाइस ब्रेड का टुकड़ा ले लिया है। इसके हम छोटे छोटे टुकड़े करके हमारे कीमा में डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसको एक प्लैंक पे निकाल देंगे और इसको 10-15 मिनट तक इसको मसलते रहेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हमें इसको एकदम स्मूथ बना लेना है। ये स्टेप करते हुए हमने इसमें 1 से 2 टीस्पून पानी मिला लिया है हमारे मिक्सचर में और इसको ऐसे मसला है 10 मिनट तक। इसको करने के बाद हम इसको 3 से 4 घंटे तक इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे हम इसको कोयले का धुआं दे देंगे। यहाँ पे मैंने कोयले को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद इसके ऊपर बटर लगा दिया है थोड़ा। इसको हम बंद करके बस 3 मिनट का धुआं दे देंगे इसको और इसको खोल देंगे। इसको ज़्यादा टाइम तक हम धुआं नहीं देंगे। यहाँ पे मैंने एक तवे पे 2 टेबल स्पून देसी घी ले लिया है।
इसको अच्छी तरह से गरम करने के बाद हमने इसके ऊपर छोटे छोटे कबाब बनाकर इसके ऊपर डाल दिए हैं। इसको हम थोड़ा थोड़ा घी डालकर इसको पका लेंगे। लो फ्लेम पे हमें इसे पकाना है। हमने यहाँ पे छोटे कबाब बना लिए हैं तो ये जल्दी पक चुका है, और इसको हम अलट पलट करके इसको पकाएंगे ब्राउन होने तक दोनों तरफ। ये रेडी हो चुके हैं। आप इसको पुदीना की चटनी और प्याज के साथ सर्व कर सकते हो। तो रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखना। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।